हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स का किडा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, उसका नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। हमने इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखा है, ठीक है? अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख लेना। ये वीडियो में हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल मिरर के लिए भी हमने लॉ पढ़ा था, तीन लॉ, उसके बेस पर ये सारे रे डायग्राम बनाए थे। इधर भी सेम वही करना है, इधर भी तीन लॉ लिखेंगे, उसके बेस पर सारे रे डायग्राम बनाएंगे। तो तीन लॉ कौन कौन सा है? फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? सबसे पहले तो स्फेरिकल लेंसेज कौन कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर पता है तुम लोगों को, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। इधर पे देखते कौन से लेंसेज होते हैं। एक लेंस होता है वो ऐसा कुछ दिखता है, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ओके, एंड सेकेंड लेंस ऐसा कुछ दिखता है, इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस। समझ में आ रहा है? ये दो लेंस होते हैं, ये सबसे पहले बेसिक चीज समझना है हमें। अब आते हैं लॉ पे, ठीक है? ओके, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? पहले कॉन्वेक्स के लिए करते हो। ओके, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पॉइंट रहते मिडल में उसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। याद रखना F1, F2 फोकस, दो फोकस है इधर पे, 2F1, 2F2, ठीक है? ओके, अब देखो लॉ देखते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगी, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा तो रिफ्लेक्ट होके किधर से पास होगा? फोकस से। समझ में आ रहा है? अगर पैरेलल है तो किधर से पास होगा? फोकस से। ओके, पैरेलल है तो वो किधर से पास होगा? फोकस से पास होगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड लॉ है, सेकेंड है अगर वो फोकस से पास हो रहा है, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को। पहला लॉ क्या था? अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट हो गया, फिर पास कैसे होगी? फोकस से पास होगी। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को, उसका अपोजिट। थर्ड लॉ, F1, F2, ओके, थर्ड लॉ बोलता है अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट भी उधर से ही होगा, जिस पाथ से पास हो रहा है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट भी ऑप्टिकल सेंटर से ही होगा, ठीक है? ये तीन लॉ याद रखने, इसके बेसिस पे हम लोग सारा रे डायग्राम बनाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम बनाना। तो ऑब्जेक्ट के 6 पोजिशन होंगे, सपोज इधर पे लेंस है तो ऑब्जेक्ट के 6 पोजिशन होंगे रखने के, ठीक है? तो पहला पोजिशन लेते एट इंफिनिटी, मीन्स इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? ये F1, F2, 2F2 और ये 2F1, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इंफिनिटी पे रखा है तो पैरेलल लाइन जा रहा है तो पास किधर से होगा? फोकस से होगा। सिर्फ हम लोग को लॉ याद रखना है, लॉ याद रखें तो हो गया, पूरा डायग्राम बनेगा। एक और है पैरेलल जा रहा है, ओके, पैरेलल जा रहा है तो पास किधर से होगा? फोकस से होगा। समझ में आ रहा है? तो किधर मिल रही है? रिफ्लेक्टेड है, किधर मिल रहा है? फोकस पॉइंट, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट को मैं किधर रखता हूं? एट इंफिनिटी पे, तो इमेज किधर फॉर्म होगा? एट फोकस, ठीक है? साइज क्या होगा इसका? इसका साइज क्या होगा? पॉइंट साइज। देखो पॉइंट के बराबर मिलेगा, पॉइंट साइज साइज होगा इमेज का, ठीक है? और इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, समझ में आया? ये पहला रे डायग्राम था। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड पोजिशन होगा बियॉन्ड 2F1, मैं से 2F1 लिख रहा हूं, उसके पीछे रखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये F2, F1, 2F1, 2F2, ठीक है? बियॉन्ड इधर कहीं पे रखा होगा ऑब्जेक्ट। ओके, इधर पे ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज इधर रखा है ऑब्जेक्ट, तो एक लाइन पैरेलल जाएगा, ऑब्जेक्ट को नाम दे देता हूं ए बी, पैरेलल जाएगा। देखो पैरेलल जा रहा है तो पास किधर से होगा? फोकस से होगा, राइट? पैरेलल जा रहा है तो पास किधर से होगा? फोकस से होगा।
ठीक है। अब एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ठीक है। तो दोनों मीट किधर पे हो रहे हैं, देखो F2 और 2F2 के बीच में, इधर कहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगा ए डैश बी डैश, किधर पे इमेज, इमेज किधर पे फॉर्म हो रहा है, F2 और 2F2 के बीच में, तो इमेज किधर फॉर्म होगा, F2 बिटवीन बिटवीन F2 एंड 2F2, समझ पा रहे। इसका भी नेचर क्या होगा, इसका भी नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और इधर पे भी इमेज छोटा सा फॉर्म होगा, डिमिनाइज इमेज, साइज क्या होगा इमेज का, डिमिनाइज। ओके, तो ये दो था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट एफ वन, एफ वन पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये एफ टू, ये एफ वन, ये टू एफ वन, ये टू एफ टू, हमारा ऑब्जेक्ट किधर रखा होगा, टू एफ वन पे, ठीक है, टू एफ वन पे, ए बी ऑब्जेक्ट साइज का नाम दीजिए, ऑब्जेक्ट का नाम दीजिए। अब एक रे पैरेलल रहेगी, पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, पास होगा फोकस से, ठीक है, पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ओके, नेक्स्ट कहां से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो रिफ्लेक्ट भी इधर से होगा, लेकिन वो मीट किधर हो रहे हैं, इधर पर, तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर फॉर्म होगा, इधर पर फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, किधर पर फॉर्म हो रहा है, 2F2 पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी इमेज फॉर्म हो रहा है 2F2 पे, तो इधर पे लिखोगे ऑब्जेक्ट इधर फॉर्म, इमेज इधर फॉर्म हो रहा है 2F2 पे, इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इमेज फॉर्म, ओके। अब इमेज का साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, अब लेंस के उस तरफ इमेज बन रहा है, मतलब वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, समझ में आ रहा है। ये था थर्ड, नाउ फोर्थ पढ़ेंगे हम, फोर्थ, फोर्थ में ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिटवीन बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन, टू एफ वन और एफ वन के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये F2, 2F2, F1, 2F1, ओके, हमारा ऑब्जेक्ट किधर है, F1 और 2F1 के बीच में, A, B, तो पैरेलल होगा तो किधर से पास होगा, फोकस से, ठीक है, पैरेलल होगा तो पास किधर से होगा, फोकस से, नाउ ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो किधर बन रहा है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड, देखो ये 2F2 है, इमेज किधर बन रहा है, 2F2 के पीछे बन रहा है इमेज, ठीक है, तो इमेज किधर फॉर्म होगा, बियॉन्ड बियॉन्ड 2F2, ओके, और इमेज इधर पे जो फॉर्म हो रहा है वह लार्ज होगी, ठीक है, तो लिखोगे एनलार्ज, और उस तरह फॉर्म हो रहा है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, समझ में आ रहा है, ये चार पोजिशन हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन, दो लास्ट पोजीशन बचे, अब किधर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, किधर होगा, एट एफ वन, एफ वन पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये एफ वन, एफ टू, टू एफ टू और टू एफ वन हमारा ऑब्जेक्ट है एफ वन पे, ठीक है, एक लाइन पैरेलल जा रही है तो किधर से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है, थोड़ा सा फोकस से पास होगा, ओके, नाउ अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो भी उधर से स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है, तो अब देखो इधर पे कहीं पे मीट नहीं होगी, पैरेलल जा रही लाइन, पैरेलल जा रही मतलब हमारा ऑब्जेक्ट इधर फॉर्म होगा इंफानाइट पे, तो इमेज किधर फॉर्म होगा, इंफानाइट पे, तो लिखोगे एट इंफानाइट, एट इन्फिनिटी, इमेज किधर फॉर्म हुआ, एट इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है, अब ये इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा सा साइज होगा, ठीक है, एनलार्ज, बड़ा साइज होगा, उसे क्या लिखेंगे, एनलार्ज, ओके, इतना समझ में आ रहा है, और इस साइड पे इमेज फॉर्म हो रहा है इसलिए क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, यू गेट फिफ्थ और लास्ट, लास्ट पोजिशन है, अब हमारा ऑब्जेक्ट किधर होगा, ऑप्टिकल सेंटर और F1
के बीच में, बिटवीन बिटवीन एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ वन ये एफ टू, टू एफ टू और ये टू एफ वन, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा, ऑप्टिकल सेंटर और एफ वन के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। पैरेलल जाएगा तो किधर से पास होगा, फोकस से, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर जाएगा तो ऐसे चले जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर मैं इधर बैकवर्ड के साइड में इसे एक्सटेंड करता हूं, इसे एक्सटेंड करता हूं तो मीट हो रही इधर पे, बैकवर्ड के साइड में एक्सटेंड किया तो मीट होता है, मतलब हमारा इमेज इधर पर फॉर्म होगा, ठीक है। इमेज हमारा इधर पर फॉर्म होगा, ए डैश बी डैश, तो इमेज किधर फॉर्म हुआ, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, और इमेज बहुत बड़ा फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो एनलार्ज इमेज फॉर्म हुआ है, ओके, समझ में आ रहा है। और ये इमेज देखो, इमेज लेंस के उस तरफ फॉर्म होता है तो हम लोग क्या कहते थे, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह फॉर्म हुआ है तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ में आ रहा है। तो इधर पे छह पोजीशन हमने पूरा पढ़ लिया, छह पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस फॉर कॉन्वेक्स के लिए खत्म होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।